शोएब इब्राहिम ने ट्रोलर को दिया जवाब। इब्राहिम फैमिली को ट्रोल करने वालों पर शोएब इब्राहिम को आया गुस्सा। फैन ने किए सवाल, वेल क्या है पूरी सच्चाई, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो वहीं हेटर भी बहुत ज्यादा हैं। शोएब इब्राहिम इन दिनों अर्जुनी सीरियल में काम कर रहे हैं, वहीं दीपिका कक्कर टीवी से दूर है लेकिन व्लॉगिंग पर पूरा ध्यान दे रही हैं। जब भी इनको कोई ट्रोल करता है तो ये उनका जवाब देने के लिए सामने आ जाते हैं। लाखों लोग चाहने वाले हैं तो वहीं हेटर्स की भी कमी नहीं। आए दिन शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर किसी न किसी बात को लेकर ट्रोल होते रहते हैं, तो कभी नेहा फैजी नाम के एक यूट्यूबर इब्राहिम फैमिली की पोल खोलती है, तो कभी शोएब इब्राहिम के कजन ब्रदर मींस आमिर इनकी पोल खोलते रहते हैं। वहीं फैन भी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर माजरा क्या है और किसकी बात को सच माने। वहीं दीपिका और शोएब ने इन ट्रोलर की बात को कभी रिएक्ट नहीं किया है, ना ही अपने ब्लॉग में नेहा फैजी या आमिर का जिक्र किया है। लेकिन शोएब इब्राहिम कब तक चुप रहते, उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट उन हेटर्स को दिया है रिप्लाई। शोएब इब्राहिम ने हाल ही में एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पिक्चर शेयर की और उसके कैप्चर में हेटर के मुंह पे तमाचा मारा है। शोएब ने पोस्ट के साथ कैप्चर में लिखा है, स्टे द वे यू आर, लेट नथिंग चेंज यू, हैशटैग खुश रहिए, प्यार बांटिए। इसका मतलब है कि आप जैसे हो वैसे ही रहिए, कुछ भी हो जाए आपको नहीं बदल सकता। आपको बता दें, आमिर जहांगीर ने बोला था शोएब इब्राहिम एक दोगला इंसान है, ये दिखावे के लिए जस्ट बोलता है खुश रहे प्यार बांटे। आमिर जहांगीर की बातें सुनकर फैंस शोएब से लगातार सवाल कर रहे हैं कि आप इस बात को क्लियर करें। आपको बता दें, शोएब इब्राहिम और दीपिका ने हमेशा अपने ब्लॉग में बोला है, हमें ट्रोल करने वालों से हमें फर्क नहीं पड़ता है, ट्रोल करने वालों से ज्यादा हमें प्यार करने वाले हैं, तो हम उन 20% लोगों की बात क्यों सुने। वेल क्या कहना है आपको शोएब इब्राहिम और दीपिका के व्लॉग को लेकर, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को मींस वीरा की दुनिया को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।